नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी की गोरखपुर यात्रा, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, एम्स की रखेंगे आधारशिला। सांसद भगवंत मान मामले पर लोकसभा में जमकर हंगामा, कार्रवाई कुछ देर के लिए की गई स्थगित, संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप। केजरीवाल कैबिनेट में एक बार फिर विभागों में फेरबदल, सतेंद्र जैन को दिया गया शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा, मनीष सिसोदिया के पास था विभाग। जाकिर नायक की खुली पोल, युवाओं को मुसलमान बनाकर आईएसआईएस में भर्ती करने के आरोप में सहयोगी गिरफ्तार, महाराष्ट्र एटीएस अर्शद से करेगी पूछताछ। और एनएसजी में भारत की उम्मीदवारी पर संशय के बादल, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं, भारत के इनकार पर चीन का पलटवार। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल में बड़ी सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने मंदिर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम इसके बाद नए एम्स की आधारशिला रखेंगे। एम्स की आधारशिला के बाद पीएम गोरखपुर के उस फर्टिलाइजर कारखाने के पुनरुद्धार करेंगे जो दशकों से बंद है। 1969 में गोरखपुर में ये फर्टिलाइजर कारखाना खुला था, लेकिन पिछले काफी दिनों से ये एक खंडहर में तब्दील हो गया है। इससे पहले सुबह गोरखपुर में झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इस बार पहले से ही कई महत्वपूर्ण विभागों का कामकाज देख रहे सतेंद्र जैन को शहरी विकास जैसे अहम विभाग का मंत्री बनाया गया है। ये विभाग पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए शहरी विकास विभाग इसलिए मायने रखता है कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास से लेकर उन्हें नियमित करने, एमसीडी को समय समय पर निर्देश देने का जिम्मा भी इसी विभाग के पास है। गौरतलब है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब सतेंद्र जैन को दिल्ली के हिसाब से अहम परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिवहन विभाग में प्रीमियम बसों को लेकर हंगामा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोपाल राय से विभाग लेकर जैन को थमा दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वीडियो मामले पर शुक्रवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया और महेश गिरी ने भगवंत मान के वीडियो मामले पर शून्यकाल में चर्चा के लिए विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है था। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने भी मान के खिलाफ संसद में विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। दरअसल आप सांसद भगवंत मान ने संसद का एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया था, जिसको लेकर बवाल बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि संसद की सुरक्षा के साथ भगवंत ने खिलवाड़ किया है। इस वीडियो को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की आज भगवंत मान से मुलाकात होनी है। साथ ही स्पीकर ने संसद के सुरक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। विवादित इस्लाम प्रचारक जाकिर नायक पर भारत में शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में जाकिर नायक के करीबी को गिरफ्तार किया है। अर्शद कुरैशी के नाम के इस शख्स को पुलिस ने नवी मुंबई से अपने गिरफ्त में लिया। अर्शद पर केरल से गायब करीब 21 युवकों में से कुछ को ईसाई धर्म में मुसलमान बनाने और उन्हें आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने अर्शद को 4 दिन तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पहले महाराष्ट्र एटीएस अर्शद से पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे केरल ले जाया जाएगा। दरअसल अर्शद कुरैशी जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कुरैशी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था। मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। खट्टर कैबिनेट का आज विस्तार होगा। पीएम मोदी की तर्ज पर सीएम खट्टर भी परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। नए मंत्री चंडीगढ़ में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। खट्टर कैबिनेट में कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक
फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल और रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बावल से विधायक बनवारी लाल को भी खट्टर अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। सीएम खट्टर अनिल विज ने खेल विभाग लेकर कोई बड़ा विभाग देकर उनका प्रमोशन कर सकते हैं, जबकि रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु के कई विभागों पर कैंची चल सकती है। चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को उकसाने की कार्रवाई की है। दोनों देशों की सेनाओं ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बॉर्डर से सटे इलाकों में गश्त की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान और चीन की सेनाओं ने इस इलाके में ज्वाइंट गश्त की है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली की वेबसाइट पर प्रकाशित तस्वीरों के मुताबिक शिनजियांग में पीएलए के फ्रंटियर रेजिमेंट और पाकिस्तान के बॉर्डर पुलिस के जवान चीन पीओके बॉर्डर पर गश्त करते दिख रहे हैं। पीपल्स डेली इस इलाके को चीन पाकिस्तान बॉर्डर कह रहा है, जबकि शिनजियांग की सीमा केवल पीओके से लगती है। भारत सरकार पीओके को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानती है। भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भड़काने और सहयोग देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और उससे कहा कि वह पीओके पर अवैध कब्जा खाली करे। कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान में आयोजित हुई भारत विरोधी रैलियों और दूसरे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवाद को प्रोत्साहित और समर्थन करने की कड़ी भर्त्सना करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त के समक्ष मार्च और प्रदर्शनों से पैदा हुए खतरे को देखते हुए पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों एवं उनके परिवारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोपोल चेकपोस्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर 8 और चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। इस भारत और बांग्लादेश आने वाले समय में आर्थिक ऊंचाई हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने शेख हसीना को ईद की भी मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है। भारत से जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।